हेलो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये साइज में इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके एक तरफ सूरज डूब रहा होता है तो दूसरी तरफ सूरज निकल रहा होता है। रसिया लगभग 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रसिया के पास है। यहाँ गैस का बहुत बड़ा भंडार है, गैस के मामले में नंबर 1 पर आता है। दूसरे नंबर पर ईरान, जबकि तीसरे नंबर पर कतर आता है। पूरे यूरोप में करीब 35% गैस रसिया से सप्लाई की जाती है, और तेल भंडारण के मामले में वेनेजुएला पहले नंबर पर आता है, जिसकी सतह के नीचे 304 बिलियन बैरल से भी अधिक तेल मौजूद है, जबकि सऊदी अरब 298 बिलियन बैरल के साथ दूसरे नंबर पर है, और कनाडा 170 बिलियन बैरल तेल भंडार के साथ तीसरे नंबर पर आता है, जबकि रसिया 8वें नंबर पर आता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से रोज़ाना करीब 50,00,000 बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। रसिया गेहूं का भी बहुत बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया में करीब 37% गेहूं रसिया सप्लाई करता है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर और कनाडा तीसरे नंबर पर आता है। रसिया के पास बहुत ज़्यादा खनिज भी है, जैसे गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम वगैरह, लेकिन ठंड की वजह से इनकी माइनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। रसिया का ज़्यादातर इलाका ठंडक और बर्फ की वजह से बेकार पड़ा हुआ है। वहाँ ठंडी में टेम्परेचर -70 सेल्सियस डिग्री तक पहुँच जाता है, जैसे कि साइबेरिया का इलाका। यहाँ के कई गांव में टेम्परेचर -70 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग शिकार और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर रहने वालों का जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजरता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, घर सब बर्फ़ में ढक जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का वक्त घरों से बर्फ को हटाने में चला जाता है। रसिया की समुद्री सीमा भी बहुत बड़ी है, और समुद्री सीमा जितनी बड़ी होगी उतना ट्रेड दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये भी बेकार है, इसलिए कि ज़्यादातर हिस्से में बर्फ जमा हुआ होता है, इसमें कार्गो से बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। इसलिए ज़्यादातर ट्रेड सिर्फ गर्मी के मौसम में होता है। रसिया की राजधानी मॉस्को है। रसिया की सीमा नॉर्वे, फिनलैंड और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और आजरबाईजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना और उत्तर कोरिया से लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।